तो हे गाइस, नेशनल ब्रू लाइन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ओवरव्यू देने वाले हैं अपनी गैलेक्सी सीरीज का, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है और आपके जिम सेटअप के लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है हमारी गैलेक्सी सीरीज की चेस्ट पे, जो कि आपकी चेस्ट की मसल्स को टारगेट करती है और आप देख ही सकते हैं देखने में कितनी प्रीमियम लगती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम ही नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर आपको आयरन के कवर मिल जाते हैं, इसके अंदर आपको फाइबर के नहीं मिलते, क्योंकि आयरन के कवर फाइबर से ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं और देखने में भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। और इसके शीट आप देख ही सकते हैं, देखने से पता चलता है कि हाँ, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम क्वालिटी है। और इसकी सीट जो है वो एडजस्टेबल है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 100 kg वेट टैग मिल जाता है और इसका जो पैंट है ना, वो स्क्रैचलेस है भाई, अलग ही लेवल, आपको इसमें स्क्रैच देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अपना अगला स्टेशन, जो कि है मल्टी प्रेस। इसमें आपकी काफ़ी सारी एक्सरसाइज हो जाती हैं और ये भी प्रीमियम क्वालिटी में है, क्योंकि गैलेक्सी सीरीज है। तो हमारी गैलेक्सी सीरीज जो है वो प्रीमियम क्वालिटी में आती है और इसमें आपको सीट एडजस्टिंग ऐसी मिलती है। और ये रोड के थ्रू होता है सब। इसका जो बायोमैकेनिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, एकदम नेक्स्ट लेवल। और ये स्टेशन आपकी काफ़ी सारी मसल्स को टारगेट करता है, जैसे चेस्ट, इंक्लाइन चेस्ट और शोल्डर। मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप देख ही सकते हो इसमें साउंड ना के बराबर है। उसका वेट स्टैग 100 kg है। इसका बायो मैकेनिज्म एकदम ही टॉप नॉच है। तो चलिए अब आपको अपना नेक्स्ट स्टेशन दिखाते हैं, जो कि है पैक डेक फ्लाई। ये हर जिम का एक मेन स्टेशन होता है, जो आपको हर जिम में देखने के लिए मिल ही जाता है। पर हमारा जो स्टेशन है ना, ये कुछ अलग ही लेवल से बनाया हुआ है। इसमें आप देख ही सकते हैं जिसकी पुली हैं वो रोड पर चलती हैं, जिससे साउंड ना आए, जिससे आपको एक अलग ही प्रीमियम क्वालिटी है तो मिलेगा ही ना। और ये जो इसके होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, जिससे आपको ड्यूरिंग वर्कआउट ऐसे प्रेशर नहीं पड़ता ज़्यादा जोरों पर। आप देख ही सकते हो साउंड तो इसमें ना के बराबर है, इसके डिज़ाइन एकदम ही अलग है। और इसमें आपको जो एडजस्टिंग मिलती है बहुत ही प्यारी है, ऐसे बस उठाना है, एडजस्ट हो जाता है, नीचे ले जाना है तो ये दबा दीजिए, मतलब अलग ही लेवल। और इसमें वेट स्टैग 100 kg है। सो मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट स्टेशन, जो कि है लेट पुल डाउन सीटेड हॉरिजॉन्टल पुली, जिसे आप हाई पुली विथ रो भी बोलते हो। ये आपकी बैक मसल्स को टारगेट करता है और जैसे कि आप देख ही सकते हैं, इस मशीन का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी। और जो इसके कुशंस है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये एडजस्टेबल होने के साथ साथ एकदम बेस्ट क्वालिटी, जिसे आप बोल सकते हो। तो गाइज, ये है सीटेड हॉरिजॉन्टल पुली, ये आपकी बैक मसल को टारगेट करती है। तो चलिए आपको इसे एक बार करके दिखा देता हूँ। इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें आपको कोई भी ऐसा एरर देखने को नहीं मिलता। ड्यूरिंग वर्कआउट आपको इसमें कोई साउंड नहीं मिलता, ये काफ़ी स्मूथ है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अपना नेक्स्ट स्टेशन। तो दोस्तों, ये है बाइसेप कर्ल, जो कि आपकी बाइसेप मसल को टारगेट करती है। तो चलिए आपको एक बार से करके दिखा देता हूँ। इसे करते हुए ना आपको काफ़ी अच्छा प्रेशर फील होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी गैलेक्सी सीरीज में किसी में भी आपको कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा, लाइक साउंड। और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हैं कितनी प्रीमियम है। तो चलिए अब आपको अपना अगला स्टेशन दिखाते हैं। यह है हॉरिजॉन्टल लेग कर्ल, जो कि आपकी लेग मसल्स को टारगेट करती है। इसमें आपको, अब देखो इसका डिज़ाइन देखो पहले, ये कितनी खूबसूरत लगती है। इसमें आपको हैंड के लिए कुशनिंग दी हुई है। यह बाइसेप कर्ल और ट्राइसेप प्रेस, जो कि डुअल स्टेशन है, और यह आपकी बाइसेप और ट्राइसेप की मसल्स को टारगेट करता है। आपको इसे करके दिखाऊंगा, पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसमें आपको सीट एडजस्टमेंट के लिए हाइड्रोलिक सीट एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाती है, आप देख ही सकते हैं। चलिए अब आपको इसे करके दिखाता हूँ। बाकी मशीनों की तरह हमारी इस मशीन में भी कोई ऐसा एरर नहीं है,
साउंड तो है ही, और रेंज ऑफ मोशन तो नेक्स्ट लेवल। तो गाइज ये है हमारी गैलेक्सी सीरीज का नेक्स्ट स्टेशन जिसका नाम है असिस्टेड चिन एंड डिप। इसमें ना जो बिगनर्स होते हैं जिनमें डिप करते हैं उन्हें ना थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसमें इस प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे सोल्व किया गया है कि इसमें ना रूलर सिस्टम मिल जाता है, और रूलर सिस्टम इतना बेस्ट होता है कि एक तो बैरिंग से ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उसमें साउंड बिल्कुल साउंड फ्री होता है। ये मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। इसमें आपको 100 kg वेट स्टैग मिल जाता है जो कि आपके वेट को काउंटर करता है, जिससे आपको चिनअप और डिप्स मारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और ये है हमारा नेक्स्ट स्टेशन जिसका नाम है सीटेड लेग कर्ल लेग एक्सटेंशन। ये एक डुअल स्टेशन है जिसमें आपको लेग कर्ल और लेग एक्सटेंशन मिल जाता है। इसमें आपको डिफरेंट यूज़र के अकॉर्डिंग अलग अलग बहुत सारी एडजस्टमेंट मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। उसकी बैक सीट में आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोलिक एडजस्टमेंट होता है, सिर्फ एक पुल से आपकी सीट आगे पीछे आ जाती है। तो चलिए अब आपको करके दिखाते हैं सीटेड लेग कर्ल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें डिफरेंट यूज़र अपने अकॉर्डिंग इसमें एडजस्टमेंट कर सकता है। उसका जो प्रेशर आता है ना एकदम नेक्स्ट लेवल। उसमें साउंड नहीं है, आप देख सकते हो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और आपको साउंड फील नहीं होगा। इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा। और जो दोस्त आपके जिम करते हैं या जिम करने सेटअप करना चाहते हैं उन्हें वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है उनके लिए हेल्पफुल। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।